आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स और पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और सबके खाते में आएंगे 2,10,000 रुपये। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम सभी के खातों में आने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, जो 8.2% वार्षिक ब्याज के साथ 30,00,000 रुपये तक का निवेश और 5 से 8 साल की अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रूप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष बचत योजना पेश की है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक मजबूत माध्यम साबित हो रही है। इस योजना की शुरुआत उन बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देने के लिए की गई है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा वे लोग जो 50 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं और विशेष रूप से रक्षा सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। निवेशक अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खोल सकते हैं। इस योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15,00,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि संयुक्त खाते में यह राशि 30,00,000 रुपये तक हो सकती है। यह निवेश 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इच्छा होने पर इसे आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें ब्याज की दरों की बात करें और लाभ की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर लागू है, जो कि तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाती है। इस उच्च ब्याज दर के कारण यह योजना निवेशकों के लिए काफ़ी आकर्षक है और उन्हें सुनिश्चित आय प्रदान करती है। खाता खोलने की प्रक्रिया जान लेते हैं कि कैसे आप ये खाता खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। निवेशक अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खोल सकते हैं। इस योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15,00,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि संयुक्त खाते में यह राशि 30,00,000 रुपये तक हो सकती है। यह निवेश 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इच्छा होने पर इसे आगे के 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2024 के तहत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित पात्रता या शर्तें हैं। खाता कोई भी सीनियर सिटीजन स्वयं या अपने पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति खाता खोल सकते हैं। 55 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले रिटायर कर्मी जिन्होंने सुपर एन्युएशन या VRS लिया है, वे भी इस योजना के पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु के रक्षा सेवाओं से रिटायर कर्मी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। NRI और HUF परिवार इस योजना के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं। निष्कर्ष की बात कर लें तो अंत में यही निष्कर्ष सामने आता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और सम्मान प्रदान करने के लिए प्रभावी साधन है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने न केवल बुजुर्गों को वित्तीय सहायता सुरक्षा देने का प्रयास किया है, बल्कि उन्हें समाज में योगदान देने का सम्मान भी प्रदान किया है। इस योजना से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को न केवल आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि यह उन्हें उनके बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।